15 मिनट में 15 साल कैसे समेटूं मैं? जिंदगी का कौन सा हिस्सा चुनूं? What am I going to do now? You're gonna get up and you're gonna move on. By the way, अपने डैड की लिविंग गर्लफ्रेंड को हेलो बोला? वैसे भी टू नाइट स्टैंड अब नाइट स्टैंड बन गया। पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भार क्या है? तुम। और रही मेरे रिश्ते की बात, तो fuck you. Actually, fucking him is much better. You know, I actually feel तुम्हें कुछ और दिन रहना चाहिए था। उसने मेरी बॉब को मार दिया, शिवा आंटी को भी बर्बाद कर देगा। तारा ने आजादी दी थी, कहा था कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, and she was right. कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया, कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले, कुछ इस तरह ये पल हसीन बांट ले, कुछ इस तरह। हर किसी को दूसरे मौके की जरूरत होती है। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे गंवाऊंगी नहीं। मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट? फ्रिज में। कुछ खाओगी? एहसास तेरा कुछ इस तरह। बच्चे? मेरे तीन हैं, तुम्हारे? शाम की गहराइयों में डूबा चला गया, कुछ इस तरह ये पल हसीन बांट ले। सुबह सुबह कुछ और देखने को नहीं मिला? सुबह सुबह और क्या देखूंगा? कॉफी। वाह, शेफ शिवा के हाथ की कॉफी। करेक्ट। अब तुम्हारा ये होटल शेफ शिवा चला रही है। शिवा विद बेनिफिट्स। तुम्हारा टिफिन मैंने खुद बनाया। अच्छा ये बताओ शाम को क्या खाओगे? I'll make something. बच्चों को क्या पसंद है पता? तुम्हारे घर में फ्रूट्स नहीं है यार, इट्स नॉट हेल्दी। बच्चों के घर में ना फ्रूट्स होना बहुत जरूरी होता है। Oh my God, Yuri, तुमने पहली बार माना कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं? Oh, that's so sweet. पता है ये मेरा असर। By the way, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कौन सा बच्चा, मेरा मतलब है कौन सा फ्रूट पसंद है? फ्रूट्स? मैं तो फ्रूट्स खाता नहीं हूँ। I'm a fruitarian. मतलब मैं फ्रूट वाला नहीं हूँ। My mother was a diabetic. तो मीठा can't do it. Oh, पर मैं तो तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ। केक? वो मेरे लिए? हाँ। But मेरा तो जन्मदिन 6 महीने बाद है। कब? मत नहीं, कब क्यों पूछ रही हो? मैं तो जन्मदिन सेलिब्रेट ही नहीं करता हूँ यार, और केक नहीं खाता हूँ, तो नो जन्मदिन, नो बर्थडे केक, आई एम वेरी बोरिंग, नो नीड। इस बार खा लो ना प्लीज, मैं बहुत प्यार से बना रही हूँ। तुम्हें थैंक यू कहना है मुझे अपनी जिंदगी, मेरा मतलब है मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। खाओगे ना? क्योंकि Yeah, all good. बस काम पे जाना है। Okay. Yeah. Change करके जाओगे ना? Yeah, of course. इन कपड़ों में इसके साथ अजीब होगा ना? I'll change.
वो टिफिन तो क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार, I guess. Great. तो आज रात? रात? तुम्हें रात का इंतजार करने की जरूरत कब पड़ी, हाँ? That's true. मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है. केक रेडी, साथ में काटें? अरे नहीं यार, वो डायबिटीज, मीठा. कम ऑन प्लीज. ओके. खुश? हाउ इज इट? अमेजिंग, बेस्ट केक एवर. सी यू. तू पागल है, तुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी? सो व्हाट, जरूरी है? अगर तुझे फिल्म अच्छी लगी हो तो मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए. हाँ. हाय शिवा आंटी. Hi. यार, twins का मतलब continuously twinning थोड़ी होता है. Shut up. What is wrong with you? Awesome. ये आपने बनाया? हाँ. कोई special occasion या JLT? JLT? Just like that? Oh yeah. Just like that. बच्चों के लिए केक बनाने का कोई reason थोड़ी होता है. Yeah, but हमें आदत नहीं है ना बिना reason केक खाने की. सो. तो जब तक ना हो ना, आदत डालो. से अब तो जिससे कोने की आदत हो रही है. बहुत सुंदर. वैसे आप केक खाओगे? नहीं नहीं, तुम दोनों खाओ. थैंक यू यार. बुखड़ मेरे लिए केक रखना. और बताना कैसा लगा. या बहुत सिंपल रूल है, जितनी आसानी से सेक्स मिलता है ना, उतनी मुश्किल होती है प्यार ढूंढने में. तुझे अगर प्यार चाहिए तो सेक्स ढूंढना बंद कर दे. मुझे घर का खाना पसंद नहीं है. क्या कर रही हो तुम? What are you doing? Stop it. Hey, let me see. But don't try it. तो खाना तो अच्छा है. वो टिफिन पैक कर रही है. चलो, मम्मी को घर पे रखने का कुछ तो एडवांटेज हुआ. अरे तू ही तो कहता था. वाली बात थोड़ी है कि कोई लड़की रात बिता रही है यार. सो देन. हाँ हाँ, दैट्स वेरी क्यूट पारो, बट मैंने उसको घर पे रहने के लिए बोला, बसने को नहीं. तो निकाल दे. लेकिन टिफिन सर्विस प्लीज कंटिन्यू रखना. द फूड इज रियली गुड. पर विल यू स्टॉप इट? ऐसे थोड़ी ना होता है यार. आई कांट टेल हर टू गो एंड देन टू स्टे. एंड द प्रॉब्लम इज आई रियली वांट टू स्टे यार. आई डू, बट आई डोंट वांट दिस. दिस तो पूछ लेना. अगर पूछ भी लिया और गलत जवाब निकला तो यार तो दोस्ती खत्म हो जाएगी. ओह वाओ, वो दोस्त भी है. गुड 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 चॉइस एक्चुअली. ऐसे दोस्त होने चाहिए. पारो, I'm fucked यार. यू नो कि तुम हर चीज मजाक लगती है ना लाइफ में. अरे ओके ओके ओके, लिसन लिसन. नो नो नो, नॉट ओके. आई एम फक्ड. तुम नहीं समझ रही यार, ना खा पा रहा हूं ना छोड़ पा रहा हूं. I was going to crack a really bad joke, but I get it. You kind of look really fucked. I am. Okay, so I'll be serious. Tu crossroads pe hai. Agar tujhe meaningless sex chahiye, to phir phone utha de. You know I'm all for that. But look at me. Agar tujhe relationship chahiye, to phir ghar ja and baat kar usse. I'm taking this food, okay? Thanks.
यार तू कैसे बात कर रही है यार गौरी? नए रिश्ते में तो सब कुछ हॉट हॉट होता है ना, यहाँ कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी लगता है इस कंप्लीटली इनटू मी और कभी लगता है कि मुझसे दूर भाग रहा है। आज सुबह तो अपनी माँ को डायबिटीज दे दिया केक अवॉइड करने के लिए। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तो रिश्ते को कैसे हैंडल करूं। रिश्ता? One second. तू पागल है क्या? हाँ, पागल है। रिश्ता? मैंने तुझे वहाँ पे स्लट बनने के लिए भेजा, तू वहाँ पे मम्मी बन के बैठी है। यार 15 साल कम थे क्या उस निखिल के साथ चिपकने के लिए? तू पागल है क्या? कोशिश करने का मतलब चिपकना नहीं होता। नहीं शिवा, चिपकने का मतलब कोशिश करना नहीं होता। यार 12 साल से ना लोगों के रिश्ते तोड़ तोड़ के डिवोर्स करा रही हूँ, इतना तो सीख गई ना कि कुछ रिश्ते पहले ही खत्म हो जाते अगर औरतों ने चिपकू चिपकू खेलना बंद कर दिया होता। तू तो बचपन से चिपकू चैंप है ना। मैं कहती हूँ तू लिबरेट कर ले अपने आप को, छोड़ दे सारे बंधन। तू मैं कह रही हूँ लिसन, लेट्स मेक सम सेक्सी टाइम शिवा, फॉर यू एंड फॉर मी। सेक्सी टाइम? हां हे आरी, लेट मी कॉल यू। ओके लिसन। हाय, कुछ खाओगे? कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? सैंडविच खाओगे? ब्रेड बटर जैम पसंद है तुमको? एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, पर जहान को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ना रोस्ट चिकन पसंद है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए भी बना देती लेकिन घर में चिकन ही नहीं है। एक्चुअली घर में कुछ भी नहीं है, सोच रही थी कि जाकर थोड़ा लेकर आऊँ। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें जो पसंद होगा मुझे बता देना, हाँ मैं ले आऊँगी। तुम्हें चाइनीज़ पसंद है? पास्ता? वो तुम्हें वो प्रोटीन बार पसंद है? मतलब तुम्हें जो भी पसंद है ना मुझे बता देना, मैं वो ले आऊंगी। ओके अभी ये भी फिलहाल ये सैंडविच। मेरी मोहम्मद बनिएगा। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। सॉरी। हाय। हाय। शिवम, मैंने कभी होममेड केक खाया नहीं। I always thought it was too dry. But obviously, मुझे अपना टेस्ट बदलना चाहिए। तुम्हें अपना टेस्ट बदलने की जरूरत नहीं है यूरी। यार शिवम, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार। मुझे नाना चाहिए।
Searching for something? No, no, nothing. Bye. Bye. Shiva aunty, मैं केक ले लूँ? Yeah, of course. आप खाओगे? Nah, yeah. Obviously. वैसे केक खाने की तो आदत हो गई है, but I didn't know आप सोफा भी सेट करते हो. बॉडी वॉश खत्म हो गया है, मैं दूसरा रखना भूल गई, लेकर आई हूं. क्या भाई? आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है. जान? वो एक्चुअली शिवा आंटी कहीं मिल नहीं रही थी, आपको पता है कहाँ है? गौरी मासी की होगी ना, मैं वहीं चली जाती हूँ. जान मॉम्स पे सी, अगली बार से पूछ के आना. जहान, जहान, शिवा आंटी को भी बर्बाद कर देगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. लिसन, इसमें तुम्हारे मॉम की कुछ गलती नहीं है, मेरे डैड. ऐसे मुझे देखो. यू नो वॉट मॉम, आपको ना बेस्ट मॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए. आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि आपकी बेटी हॉस्टल से अकेली आई है. इट्स टू लेट मॉम, बेटी और बॉयफ्रेंड के बीच में गेस हू वन. इट्स कूल मॉम, सबको अपनी नीड्स के बारे में सोचने का हक है, मुझे भी और आपको भी. मेरी बीवी और बेटी का फक ऑफ मी यार, ये तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? इन्हें अपना घर बैंक को दे दिया, चूतिए. गेट द फक आउट ऑफ हियर. तुम फकिंग टच इट. फकिंग टच इट. साइड हो यार. फक यू. तुझे क्या लगता है कि तू शिवा की तरह जानू को भी मुझे छीन लेगा? लिसन टू मी यू डी लाउड एंड क्लियर, इफ यू फक माय वाइफ और माय फैमिली, आई विल फकिंग पुट अ बुलेट थ्रू योर हेड. आई एम नॉट. गो अहेड यू मदरफकर, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर. पुट इट. शिवा, जानू, तुम यहां पे क्या कर रही हो? तुम ठीक तो? निकल प्लीज, यहां सबके सामने तमाशा करने. सबके सामने तुम सब कुछ करो, मैं चुप रहूं. Double standards you have, Shiva. Please, Nikhil. Nikhil, please, what?
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जानू अकेले हॉस्टल से आई है? अकेले? अरे किस किस्म की माँ हो यार तुम? You have no fucking idea. शिवा, कोई तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता है। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा कि मैं अपनी बीवी से बात कैसे करूँ हरामजादे? देखो शिवा, ये है मेरा प्यार, तुम्हारे लिए, जानू के लिए, और तुम इसके साथ छोड़ी हो? मैं now desperate है you. मैंने तुम्हें पूरा घर ऑफर किया था, बट तुम्हें इस गटर की जरूरत है ना? शिवा कुछ बोलो। अबे इसको क्या बोल रहा है बे? पहले अपने तो संभाल ले। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कोर्ट से कस्टडी वापस ले रहा हूँ। या मैं भी देखता हूँ कि कौन सा कोर्ट एक जवान लड़की को एक ऐसे आदमी के साथ रहने देगा जिसने अपने खुद के 3 बच्चे लवारिस कर दिए। यू हर्ड मी एंड आई अंडरस्टैंड वन थिंग। अब कुछ कहने को बाकी नहीं है तो फिर चुपचाप बस खड़ी रहो तुम। ऑलराइट, चल चल। डैड, जानते हैं मामा हमेशा चुप क्यों रहती है? मेरी वजह से। और पता है मैं हॉस्टल से वापस क्यों आई हूँ? मॉम की आवाज बनने। डैड, I'm sorry, but I'm gonna stay here with mom. जानू, जानू मैं तुम्हें लेना हूँ बेटा। जानू, जानू। Well done, super mom. मेरी बेटी को तुमने मेरे ही खिलाफ कर दिया, you fucking bitch. मेरी बेटी मेरी आवाज बनने आई है, सुना तुमने? मेरी बेटी मेरे लिए वापस आई है। जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी दोबारा। तुम पता है ये सारी हिम्मत कहां से आ रही है? तुमसे। शिवा को ये लगता है कि अब तुम उसका ख्याल रखोगे और जानू का भी। अपनी खुद की बीवी बच्चों को तो छोड़ के भाग गए थे ना तुम। एनीवे, वेलकम टू अ हैप्पी न्यू फैमिली यूडी। एंड डू मी अ फेवर, कॉल मी इफ यू नीड सम टिप्स, फैमिली मैनेजर ऑन। बट गेट आउट ऑफ माय हाउस यू मदरफकर, सन ऑफ अ बिच, पीस ऑफ शिट, दैट्स ऑल। यू आर गोना फेल सो बैडली फकर। चल भाई। शिवा को ये लगता है कि अब तुम उसका ख्याल रखोगे और जानू का भी। तुम खुद की बीवी और बच्चों को छोड़ के भाग के आए थे ना? अरे थोड़ी सी टेंशन इसे भी लेने दो, बाप है बच्चों का। Actually, बने होते ना, perfection तो आ ही जाती। You're gonna fail so badly, fucker. पता है बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसमें मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मैं सचमुच मॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लूंगी, वर्स्ट मॉम ऑफ द ईयर। नहीं, अभी उसके नंबर का मैं आपके। मॉम, यहाँ क्यों रह रही हैं आप? नाना नानी है ना, हम वहाँ चले जाएंगे, पर यहाँ क्यों रहना है प्लीज? बेटा, 40 की उम्र में अपने माँ बाप के घर जाने का मतलब है कि मैंने अपनी हार मान ली। मैंने मान लिया है कि निखिल के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये लड़ाई मैं अपने दम पर लड़ना चाहती हूँ। मॉम, आपको उनकी जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तुम हो, इसीलिए ये लड़ाई जरूरी है। ये 20 साल बाद तुम ये ना कहो कि मॉम मैं थी ना, आप एक बार लड़के तो देखते। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जानती हूँ। पता है बेटा, या तो गलती की जा सकती है या गलती ना करने का रिग्रेट किया जा सकता है। गलती करके सुधारी जा सकती है, लेकिन रिग्रेट वो हमेशा एक याद बनकर आपके साथ रहती है। आपको इस यूडी अंकल पे पूरा भरोसा है? उसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरा भरोसा टूटे। आई डोंट थिंक वो कभी
जानबूझकर मुझे हर्ट करेगा। तुम तो सुबह में आने वाले थे। गलत रास्ता चला गया था। एहसास तेरा कुछ इस तरह बढ़ता चला गया। तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले। कुछ इस तरह ये पल हसीन बांट ले। कुछ इस तरह।